आज नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसमें तीन प्रॉपर्टीज आती हैं जो हम देखेंगे वन बाय वन। पहला है आपका एडिटिविटी, सेकंड इज क्वांटाइजेशन एंड थर्ड इज कंजर्वेशन। थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा लेकिन इसे याद करने के लिए एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन इस तरह से याद रखना। और इसको समझाता हूँ मैं कि पहले ये सारे जो तीन प्रॉपर्टीज हैं इनका मतलब क्या है। पहला है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसका क्या मतलब है ये देखिए, यानी कि आप चार्ज को ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट एक सिस्टम है, मान लीजिए सिस्टम क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट विच इज़ अंडर स्टडी या अंडर ऑब्जर्वेशन दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम। और उसके उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ सराउंडिंग कहलाती है। जैसे मान लीजिए अभी मैं पेन पे फोकस कर रहा हूँ, तो मेरा पेन जो है वो सिस्टम हो गया, उसको छोड़ के यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं वो सराउंडिंग हो जाएगी। ठीक है, टेबल वगैरह, मैं हूँ या कोई और चीज़ है, वो सारी सराउंडिंग है, मेन मेरा सिस्टम है। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट लिया मैंने, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर मैंने चार्ज दिया, तो सबसे पहले मैंने चार्ज दिया Q1, ठीक है, फिर Q2 चार्ज किया थोड़ी देर के बाद, फिर ये एक दूसरी लोकेशन पे मैंने Q3 चार्ज कर दिया, Q4 कर दिया, फिर बाद में दोबारा फिर Q5 चार्ज दिया। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो ये जितना भी टोटल चार्ज दिया है इस सिस्टम या इस ऑब्जेक्ट का जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, इट विल बी एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस। टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम विल बी एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस। अब एल्जेब्रिक क्यों बोल रहा हूँ, अगर ये Q1 मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, तो हमें एल्जेब्रिक सम बोल रहे हैं। टोटल चार्ज विल भी Q1 Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इस तरह से सबका सम है जो भी हम सिस्टम को चार्ज देंगे। अब मान लो Q1 जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता था, यानी मान लीजिए 2 कूलम हो सकता था, ये मान लीजिए 3 कूलम हो सकता था, ये प्लस 4 कूलम हो सकता था, ऐसे करते करते सो ऑन हो सकता। तो जो प्लस है उसको प्लस लेना है, जो माइनस है उसको माइनस लेना है। जैसे यहाँ पे Q1 था वो 2 कूलम प्लस, तो एज इट इज़ रहेगा। Q2 जो है वो -3 हो जाएगा, क्योंकि -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं और प्लस 2 कूलम मतलब 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है वैसे, वो कूलम है। तो अभी आप ये समझिए, बस इतना चार्ज, इतने कूलम चार्ज मैंने दिया है, ऐड किया है, पहले प्लस 2 दिया था, अब -3, तो -3 ऐड होगा, फिर प्लस 4 कूलम पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एज इट इज। तो आप देख रहे हैं हम कर तो एल्जेब्रिक सम ही रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर नेगेटिव वाला है तो वो ऑटोमेटिकली प्लस इनटू माइनस नेगेटिव ही हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ओवरऑल टोटल चार्ज 2 -3 + 4, तो टोटल चार्ज कितना बनेगा, 2 - 3 + 4 - 6 - 3, तो 3 बन जाएगा। तो टोटल चार्ज जो है वो 3 है इसके ऊपर, 3 कूलम। जैसे सेम एग्जांपल यहाँ दिखा रहे हैं कि 2 माइक्रो कूलम। अब माइक्रो क्या होता है, 1 कूलम, सिंपल। 1 मिली कूलम क्या होता है, मिली कूलम का मतलब 1 × 10⁻³ - 3 कूलम। और माइक्रो, 1 माइक्रो कूलम क्या होता है, 1 माइक्रो कूलम विल बी 1 × 10⁻⁶ कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं वो बोल रहा हूँ कि 2 माइक्रो कूलम पहले दिया, फिर -3 माइक्रो कूलम दिया, फिर +4 माइक्रो कूलम, फिर -5। तो टोटल चार्ज कितना हो गया ऑब्जेक्ट पे, तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी +2 माइक्रो कूलम, -3 माइक्रो कूलम, +4। जो माइनस में वो माइनस लेंगे, जो प्लस है वो प्लस लेंगे। तो इसीलिए इसे एल्जेब्रिक सम बोला जा रहा है। और क्यू, टोटल चार्ज कितना रह जाएगा, इस सब का समेशन करेंगे तो -2 कूलम बच गया है। तो ये इसका मतलब है। अब मैं इसको यहाँ टर्म को पढ़ के बता देता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी का, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी ऐड कर सकते हैं। इट मींस दैट द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट इनसाइड द सिस्टम। तो जो भी सिस्टम है उसको जो भी चार्ज दिया है, डिफरेंट लोकेशन पे, अलग अलग जगह पे भी दिया हो, लेकिन सिस्टम को जितना टोटल चार्ज दिया उन सबका एल्जेब्रिक सम जो होगा वही उसका टोटल चार्ज होगा सिस्टम का, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन क्या है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, इट इज मतलब आप चार्ज को क्वांटिफाई कर सकते हो, यानी गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट रिप्रेजेंटेड बाय ई, ब्रैकेट में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, इससे समझ में नहीं आया होगा आपको, मैं समझाता हूँ। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, एक ऑब्जेक्ट है, ए एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ए है, ये बी है। जब मैं इसे रब करता हूँ या किसी भी तरह से चार्ज देता हूँ, तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और बी में जाएगा। तो यहाँ से मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन गया, तो यहाँ पे प्लस ई चार्ज हुआ, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस ई। फिर एक और इलेक्ट्रॉन गया, रबिंग कर रहे हैं हम, तो यहाँ कितने हो जाएगा, प्लस 2E हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, -2E। फिर एक और बार और रबिंग कर रहे हैं, तो +3E या -3E। ऐसे करते करते मान लीजिए एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ए से बी में गए हैं, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज ऑन ए विल बी एन ई, वो भी प्लस का। और एन नंबर जाने की वजह से,
एन चार्ज यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ ए से बी में गए, तो यहाँ पे कितना चार्ज हो जाएगा माइनस एन। तो ये भी चार्ज बना है ए पे, ये चार्ज बना है बी पे, तो इसको इकट्ठा लिखेंगे कि टोटल चार्ज कितना बना, दैट विल बी इक्वल टू या तो प्लस एन ई बना है ए पे या माइनस एन ई बना है ए पे। तो इसको इकट्ठा कैसे लिख सकते हैं, क्यू विल बी इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेर एन ई, एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी और ई इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो टोटल, और क्यू इज द टोटल चार्ज, और ये हमेशा एन जो होगा, मैंने आपको बताया था ये एन जो इलेक्ट्रॉन जो जाएगा तो सबसे बेसिक एलिमेंट होता है, बेसिक यूनिट होता है, e बाई टू नहीं जा सकता या e बाई थ्री नहीं जा सकता या e बाई फोर नहीं जा सकता, जाएगा तो एटलीस्ट एक ही e तो जाएगा ही जाएगा। तो जो भी आएगा ये n जो होगा ये कभी भी कोई फ्रैक्शन नंबर नहीं हो सकता, ये क्या रहेगा इंटीग्रल मल्टीपल, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है या तो बिल्कुल नहीं जाएगा तो जीरो हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है प्लस माइनस वन हो सकती है या प्लस माइनस टू हो सकती है या प्लस माइनस थ्री हो सकती है, प्लस माइनस फोर, ऐसे अप टू प्लस माइनस n, यानी ये सारे क्या नंबर है, ये n जो है ये n की वैल्यूज हैं और ये इंटीजर हैं एक तरह से, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख रहा है ये इंटीग्रल मल्टीपल। तो आप फिर से पढ़ के देखिए, इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द टोटल चार्ज, जो टोटल चार्ज है दिस टोटल चार्ज q ऑफ ए बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल, ये n जो है वो इंटीजर नंबर है और e से इंटीग्रल किया गया, इंटीजर को मल्टीप्लाई किया, इट इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट, जो बेसिक यूनिट कितनी है, सबसे मिनिमम जो इलेक्ट्रॉन जो चाहेगा, सबसे बेसिक है यूनिट जो होगी सबसे स्मॉलेस्ट वो e ही जा सकती है, तो इसका इंटीग्रल मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल यानी एन से मल्टीप्लाई किया था, तो टोटल चार्ज विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट रिप्रेजेंटेड बाय, समझ में आ गया होगा, तो इसीलिए हम बोलते हैं क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, और एन जो है उसकी वैल्यू जो है वो एक इंटीजर हो सकती है कोई भी, डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए से बी में मूव किए। सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई, दिस इज वाई इट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन, ये आप चार्ज को क्वांटिफाई कर पा रहे हो, कितना चार्ज मूव कर रहे हो, ठीक है, कितने कूलम चार्ज गए। अब थर्ड इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अब चार्ज जो है वो ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस दैट द टोटल, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, दैट मीन्स टोटल चार्ज विल नॉट चेंज विद टाइम, कि टोटल चार्ज जो है वो चेंज नहीं करेंगे, यूनिवर्स में देखिए जितने चार्ज हैं, मान लीजिए ये यूनिवर्स है, इसमें एक ऑब्जेक्ट था ये ए, एक ऑब्जेक्ट था बी, यहाँ से मान लीजिए ए से ये बी में इलेक्ट्रॉन गया, तो यहाँ पे प्लस ही चार्ज आया माइनस ही आया, लेकिन पूरे यूनिवर्स में अगर टोटल चार्ज करोगे तो प्लस ई और एक माइनस ई, टोटल बना के कितना बना जीरो, तो नेट अभी भी नेट चार्ज उतना ही है, तो टोटल सिस्टम आइसोलेट एक सिस्टम का यूनिवर्स का में उतने ही चार्ज हैं, वो ना तो यू कैन नॉट क्रिएट इट नाइदर यू कैन डिस्ट्रॉय इट, सो द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम ए, फ्रॉम बॉडी ए, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मैं दोबारा बोलता हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है, ये कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो टोटल चार्ज एक आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, वो चीज़ मैंने आपको अभी ये डायग्राम समझाई है, ठीक है, समझा दिया कि यूनिवर्स में मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, अब यूनिवर्स में कोई भी बॉडी है वो टोटल नेट चार्ज जीरो रहता है, अब उस बॉडी को मैं ले रहा हूँ उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा हूँ, तो उसके बॉडी के अंदर प्लस वाला चार्ज बन जाएगा प्लस ही, और जहाँ गया है यूनिवर्स में उसका माइनस ही, लेकिन टोटल चार्ज अभी भी यूनिवर्स में कितना है, प्लस 1.6 इंटू 10^-19 और माइनस 1.6, इनका सम करोगे तो फिर भी जीरो ही आएगा, तो नेट चार्ज अभी भी जीरो है और पहले भी जीरो था, तो इसलिए चार्ज कभी भी क्रिएट नहीं होता ना डिस्ट्रॉय होता है, उतना ही रहता है, ठीक है, बस वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता रहता है, और आइसोलेटेड सिस्टम का कॉन्स्टेंट ही रहेगा, एक सिस्टम को आइसोलेट कर तो उसके चार्ज उतने ही रहेंगे, और ये वाली बात मैं आपको बताई जो हूँ, इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ठीक है, तो यही पॉइंट उन्होंने बताए हैं, और ये अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इसीलिए बोल रहा है कि आपका टोटल चार्ज है वो उतने ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, टोटल चार्ज विल नॉट चेंज विद टाइम, यही चीज़ यहाँ पे इसने बताई, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं इसके, देखिए मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ चार्जेस कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, अब मैं कूलम्स लॉ बताने जा रहा हूँ, इसके लिए मैंने इस बार थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ इसको, ये कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ, यहाँ डायग्राम में छोड़िए यहाँ मैं बताता हूँ, मान लीजिए ये मेरा एक चार्ज है, एक चार्ज ये रहा प्लस क्यू वन है पॉजिटिव चार्ज, एक और चार्ज है प्लस क्यू टू एट सम डिस्टेंस, अब ये दोनों
एक दूसरे पे क्या करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, सेम चार्ज हैं, सेम लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव हैं, दोनों सेम उसके हैं टाइप्स, पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऐसे ही सेम अगर मैं नेगेटिव चार्ज लेता हूँ, क्यू वन एक नेगेटिव चार्ज है और ये क्यू टू एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे ये अभी भी, क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हैं, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। अब ये फोर्स लगाएंगे, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, तो अब देखिएगा ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि कैसे फोर्स लगती है, ठीक है। तो दोनों जो फोर्स लगाएंगे वो अपनी लाइन ऑफ एक दोनों को ज्वाइन कर दो, दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दिया। अब रिपेल्सिव फोर्स है तो दूर भगाएगा, Q2 जो Q1 पे लगाएगा वो दूर इस तरह से लगाएगा कि वो दूर हो, तो वो इस लाइन के अलोंग ही लगेगा, ठीक है। मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, ये जो लाइन है मैं फोर्स जो लगेगी वो इसी लाइन के अलोंग, इसी लाइन के अलोंग दूर की तरफ लगेगी। ये जो लाइन थी रेड कलर की जो दोनों के सेंटर को ज्वाइन करा हुआ था उसके दूर की तरफ जा रही है, यानी Q2 Q1 पे जो फोर्स लगा रही है, मान लीजिए एफ फोर्स लग रहा है तो वो दूर की तरफ लग रहा है। अब Q1 जो है Q2 पे भी फोर्स लगा रहा होगा तो वो कहता है भाई ये भी दूर की तरफ लगेगा क्योंकि एक दूसरे से दूर होना चाहेंगे। अब आप बोलोगे सर चलो Q1 ले लेते हैं, ये समझना कॉन्सेप्ट को, और ये Q2 लेते हैं, ये तो कुछ डिस्टेंस दूर है, ये भी ऐसे फोर्स लगाता Q2, और Q1 पे जो Q1 जो Q2 पे फोर्स लगाता ये Q1 वाला Q2 पे यहाँ फोर्स लगा रहा है और Q2 Q1 पे यहाँ फोर्स लगा रहा है। अभी भी ये दोनों दूर ही जा रहे हैं, Q1 इधर जा रहा है, Q2 इधर जा रहा है, दोनों की लाइन यहाँ पे ज्वाइन करने वाली, तो अभी भी दूर जा रहा है, लेकिन इस तरह से फोर्स नहीं लगाया। फोर्स की लाइन, ये लाइन जो है फोर्स की, वो हमेशा दोनों को ज्वाइन, दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगी, ये इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन, लाइन ऑफ एक्शन इसके अलोंग लगेगी, या तो वो पास लग सकती है, या तो वो इधर इस तरह से, या तो वो इधर ऐसे लग सकती है आपस में, अगर ये अपोजिट चार्ज होते एक पॉजिटिव नेट तो आपस में इस लाइन के अलोंग पास में एक दूसरे को लाता इसी लाइन के अलोंग, और सेम चार्ज है तो वो बाहर की तरफ लग रही है, क्लियर। तो यही मैं यहाँ समझा रहा हूँ, तो ये ग्रीन वाला तो नहीं लग रहा अभी फिलहाल, ठीक है, क्लियर है, ये इस तरह से चार्ज, तो अगर सेम चार्ज है तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ रिपल्शन, और ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है इस लाइन के अलोंग रहेंगे और दूर की तरफ होंगे, तो Q2 Q1 पे ये वाला फोर्स लगाएगा और Q1 Q2 पे इधर फोर्स लगाएगा, और दोनों फोर्स सेम ही होंगे, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, इसलिए मैं एफ से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अभी। दूसरी बात, अब ये नेगेटिव था तो इसके लिए कैसे होगा, आप देख लेते हैं जरा एग्जांपल, मान लीजिए दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर लेते हैं, अब इसी लाइन के अलोंग, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो कैसे होना चाहिए, दोनों एक दूसरे को रिपेल करें, तो ये भी इस लाइन के अलोंग दूर जाएगा, Q2 Q1 पे इस साइड लगाएगा और Q1 Q2 पे ये वाला फोर्स लगेगा, ये Q1 लगा रहा है Q2 पे, ठीक है, और दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होती है, वो हम आगे देखेंगे कूलम्स लॉ में, अभी फिलहाल समझ लीजिए कि दोनों FF में लिख रहा हूं एग्जांपल, ठीक है, अभी सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए अगर ये दोनों चार्ज नेगेटिव होते, अनलाइक चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव होते, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मान लीजिए ये चार्ज है, फिर से दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, ये Q1 है ये Q2 है, ये नेगेटिव का है ये पॉजिटिव का है, तो नेचुरली जो पॉजिटिव वाला है इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करिए जहाँ पे है ये, ठीक है। अब इन इस लाइन के अलोंग अट्रैक्टिव फोर्स लगनी चाहिए, रिपल्सिव नहीं लगनी चाहिए, यानी Q2 जो है नेगेटिव है तो पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, तो वो इस लाइन के अलॉन्ग किस साइड खींचेगा, वो इस तरह से खींचेगा, इस तरह से, और Q1 वाला Q2 को अपनी तरफ खींचेगा इस तरह से, तो दोनों अपना पास में आना चाहेंगे, ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दोनों फोर्स की वैल्यू फिर से सेम होगी, मान लीजिए एफ है ये भी एफ है, तो फोर्स ऑफ दिस विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड अर्लियर वाले में सेम लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है यहाँ पे, और ऊपर जो लाइक चार्जेस थे उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा था, ठीक है। अब इसी के लिए इस की ये फोर्स की वैल्यू कितनी है, ये फोर्स की वैल्यू कितनी है और इसकी डायरेक्शन क्या है, उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया, पहले मैग्नीट्यूड वाला बात कर लेते हैं स्केलर फॉर्म में कि कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म क्या है, तो पहले हम स्केलर फॉर्म में बात करेंगे, तो उसके लिए एक लॉ दिया गया, उसको बोलते हैं कूलम्स लॉ, तो वो कूलम्स लॉ यहाँ पे है मेंशन। अब कूलम स्टॉक की स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे और फिर मैं उसको समझाऊंगा आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालनी है, किस तरह से एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाते हैं। अब ये देखिए कूलम्स लॉ, इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो फोर्स एफ है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों है, क्योंकि वो चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा है, हमने पढ़ा ये कि चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या तो अट्रैक्शन भी हो सकता है
या और रिपल्शन, रिपल्शन भी हो सकता है, एक्टिंग बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी, डिपेंडिंग अपॉन दोनों चार्ज लाइक चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो फोर्स एफ लगेगी वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये समझते हैं इसको क्या मतलब है। अभी मान लीजिए ये चार्ज है एक, ये एक चार्ज, ये क्यू वन चार्ज है और ये क्यू टू चार्ज है, दोनों एट ए डिस्टेंस आर है, कुछ डिस्टेंस दूर हैं और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज आर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों ये सेम चार्जेस भी हो सकते हैं और मतलब लाइक चार्जेस भी हो सकते हैं, मतलब सेम साइन के चार्ज हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर अनलाइक चार्ज हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर सेम चार्ज होंगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे अपनी लाइन ऑफ एक्शन को ज्वाइन करने के बाद, दोनों की सेंटर लाइन को ज्वाइन करेंगे तो रिपल्सिव करेंगे जो अभी मैंने आपको समझाया, और या फिर अट्रैक्ट करेंगे। तो मान लेते हैं अभी ये दोनों लाइक चार्जेस हैं तो ये रिपल कर रहे हैं अपने आप को एक दूसरे को, इन दोनों की सेंटर लाइन को मैं जोड़ देता हूँ, तो ये फोर्स एफ लगा रहा है, ये भी फोर्स एफ लगा रहा है, दोनों फोर्स सेम रहेगी। और ये फोर्स जो होगी, ये स्टेटमेंट जो कूलम्स लॉ बोल रहा है कि ये फोर्स जो एफ है ये इस तरह की होगी कि दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्ज। मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड क्यू वन है, इसका क्यू टू है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, तो मैं डायरेक्शन नहीं ले रहा, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लूंगा। मान लीजिए टू कूलम है, ये थ्री कूलम है, तो मैं माइनस थ्री है तो मैं माइनस थ्री नहीं लूंगा, थ्री लूंगा, तो वो क्या करूंगा, मोड लगा देता हूँ। तो लेट अस से दिस इज क्यू वन, मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट होगा दोनों का, क्यू टू का भी प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, टू को मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, तो क्यू वन क्यू टू है, तो इन चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो दोनों का मॉड ले लोगे और उन दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये फोर्स एक और चीज है क्या, कि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ये जो डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच में वो आर है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मैं थोड़ा सा इसे क्लियर लिख देता हूँ, R, 1 by R square. तो ये दो चीजें हैं, पहली इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो अट्रैक्शन हो, और अगर ये ये वाला होता क्या बोलते हैं, दोनों चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव होते तो रिपल्शन होता, तो ये इस तरह से फोर्स ऑफ रिपल्शन अट्रैक्शन हो जाता, और या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाता, दोनों ही केस में एफ की वैल्यू सेम रहनी है, और वो एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसीलिए यहाँ लिख रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज, बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज, एक वन एक टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, ये पहली इक्वेशन जो बनी है वो, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसका इनवर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो 1 बाई आर का स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है तो उसका स्क्वायर करेंगे और इनवर्सली करेंगे फोर्स, ठीक है। तो ये आपका दोनों अब इसको कंबाइंड करेंगे तो हम क्या बनेगा, ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। पहला स्टेटमेंट मेरा यही था, दूसरा स्टेटमेंट ये था, मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे आपको। तो दोनों स्टेटमेंट मैंने कंबाइन कर लेते, कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दैट एफ विल बी क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये फोर्स जो आया है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर, मॉड कर लिया हमने वो हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन अब ये प्रोपोर्शनल है तो इक्वेशन नहीं बनी है, इक्वेशन बनानी है तभी तो हम निकाल सकते हैं फोर्स को, तो हमने इसकी कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम इक्वलिटी साइन ला दें। तो मान लेते हैं वो कांस्टेंट जो है वो स्मॉल के है, ठीक है, एंड दिस इज क्यू वन क्यू टू, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है जिसको स्मॉल के बोल रहा हूँ मैं, ये स्मॉल के है, ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे कैपिटल के आएगा, ठीक है। अब ये के की वैल्यू कितनी है, अगर ये के की वैल्यू करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोल देते हैं इसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, अब ये क्या होता है, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे इसने डायरेक्ट लिख दी है, एफ इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, और ये इस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, नेचुरली इसकी वैल्यू जो होती है वो रफली आती है 9 इंटू 10 रेज पावर 9 के बराबर, ठीक है। अब ये इसकी पर्टिकुलरली फिक्स वैल्यू है, और ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ स्पेस और एयर और वैक्यूम। अब इसका मतलब समझिएगा, जो ये दोनों चार्ज मैंने रखे थे ऊपर, चलिए मैं यहाँ बना देता हूँ दोबारा क्योंकि वो ऊपर चला गया काफ़ी,
ये चार्ज मैंने रखा था यहाँ पे, एक चार्ज ये रखा था, एक चार्ज ये रखा था, Q1 और Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था R, वो R इसमें दिख रहा है आपको, ठीक है, फॉर्मूले में। तो मेरा जो फॉर्मूला आ रहा है उसके अंदर ये एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। ये एप्सिलॉन नॉट किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? रिलेटिव परमिटिविटी, और इसके आसपास बीच में ये पूरा रीजन जो है, ये बीच वाला जो रीजन है जहाँ मैं अभी आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये वाला जो रीजन है, ये पूरा ये रीजन किसका है? यहाँ पे एयर है, या फिर स्पेस बोल लो। स्पेस में क्या है, या तो एयर बोल लो या वैक्यूम बोल लो, यानी कि ना के बराबर कुछ पार्टिकल। एयर में बहुत ना के बराबर एटॉमिक एटम एयर पार्टिकल्स होते हैं, तो मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो उसे हम स्पेस या वैक्यूम के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की उतनी ही आती है। तो इसीलिए हम स्पेस बोल रहे हैं, तो उसका मतलब एयर वैक्यूम ऑटोमेटिकली वो ले रहा है उस चीज़ को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो उसके बीच का जो मीडियम है, बीच में जो मीडियम है, ये क्या है? एयर मीडियम है, कि बीच में क्या रखा। अगर मैं यहाँ बीच में कुछ और रख देता तो ये दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो कम भी हो सकते थे, ज़्यादा। मान लो यही दोनों चार्ज मैंने सेम डिस्टेंस पे रखे हैं, ठीक है, Q1 एंड Q2 सेम डिस्टेंस पे रखे हैं, r डिस्टेंस। लेकिन अब की बार बीच में मैंने क्या करा है, बीच में यहाँ पे मैंने ये दोनों के दोनों एक कंटेनर में रख दिया जिसमें वाटर है, यानी वाटर मॉलिक्यूल है, उनके अंदर डिप करके रखा हुआ है पूरा। तो अब क्या फोर्स दोनों सेम लगाएंगे? अब जो फोर्स लगेगी और ये वाली जो फोर्स लगेगी सेम लगेगी? नहीं, अलग अलग लगेगी। इसमें एटम पार्टिकल नेचुरली पास पास में वाटर मॉलिक्यूल के अंदर लिक्विड है, तो नेचुरली एटम पार्टिकल ज़्यादा है तो वो उसको ब्लॉक करते हैं। तो आपकी इसमें परमिटिविटी, जो इलेक्ट्रिक फोर्स की परमिटिविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, उसकी परमिटिविटी कम हो जाती है वाटर के अंदर, लेकिन वही एयर के अंदर उसकी परमिटिविटी ज़्यादा है। इसीलिए हर जो मीडियम है बीच में, वो एयर है या वाटर मॉलिक्यूल है, वैक्यूम है, क्या है, उसके बेसिस पे इसकी वैल्यू आती है। तो ये जब एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, या जैसे आपका टर्म लिख दिया एप्सिलॉन और नीचे ऑन नॉट, ये बताता है कि एयर का है। ये नॉट जो है ये बताएगा या तो एयर का है, या स्पेस का है, या वैक्यूम का है, ठीक है। अगर किसी और का होगा तो एप्सिलॉन मीडियम लिख देते हैं, एप्सिलॉन टू द बेस एम। ये एम का मतलब है एनी मीडियम। अब वो वाटर हो सकता है, तो वाटर के लिए क्या करेंगे फिर, डब्ल्यू लिख दो, एप्सिलॉन टू द बेस डब्ल्यू, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, या एप्सिलॉन टू द बेस डब्ल्यू एस टू ओ, ये भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन टू द बेस एस टू ओ। तो ये बता, लेकिन है क्या इसका मतलब क्या है, कि जो इसके बीच का मीडियम है, दोनों चार्ज जो हमने रखे, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ थोड़ा क्लियर हो जाए, जो बीच में जो चार्ज के बीच का जो मीडियम है, बीच में जो जगह है, उसमें कौन से कैसा मीडियम है, क्या उसमें वैक्यूम है, या उसमें कोई वाटर पार्टिकल है, केरोसिन ऑयल है, कुछ भी हो सकता है। तो जिस तरह का मीडियम है उसके बेसिस पे इसकी वैल्यू चेंज करती है। तो अगर मेरी ये अभी जो नॉर्मल में हम लेते हैं वो हम स्पेस में या वैक्यूम में लेके करते हैं, अगर यहाँ पे मैं कोई मीडियम लेता तो ये एप्सिलॉन टू द बेस एम हो जाता, यही चीज़, बाकी सब सेम रहता, बस ये कट के एप्सिलॉन टू द बेस एम हो जाता, क्लियर है। तो उसकी वैल्यू फिर हमें निकालनी पड़ती। अभी फिलहाल वैक्यूम की और या एयर स्पेस जो एक ही चीज़ है उसके लिए हमने निकाल रखी, और उसकी वैल्यू होती फिक्स। अब वो कैसे आती है वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि नेचुरली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस 9 × 10⁻⁹ के बराबर है। तो नेचुरली आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ के बराबर करोगे, तो 4 पाई की वैल्यू 22/7 आप सॉल्व कर सकते हो इसे, तो एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा, 8.85 × 10⁻¹2, ये करीब इतना आता है, ठीक है। तो ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी करूँगा, सॉल्व भी करूँगा इस चीज़ को दोबारा, ठीक है, नीचे सॉल्व किया हुआ है, हालांकि अभी मैंने आपको बता दिया। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाती है, लेकिन कोई मीडियम की निकालनी होगी तो उसके लिए फिर हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, वो भी अब मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये देते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला, जो एप्सिलॉन नॉट निकालना है वो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई। अब यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला निकालना है एप्सिलॉन नॉट का, तो आपको पता है किसी का भी डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका उसका फार्मूला ले लो। तो अभी एप्सिलॉन नॉट का एक फार्मूला है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कूलम्स लॉ ने दिया है कि भाई एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ मैं ये आपको बता दूँ कि ये फार्मूला आपको याद रखना, ठीक है, और इसमें ये वाली वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसको स्मॉल के से लिख सकते हो या शॉर्ट फॉर्म में, ताकि जल्दी जल्दी आप सॉल्व करो न्यूमेरिकल में, इसलिए मैंने आपको बताया, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब इसी फॉर्मूले को, यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला निकालना है एप्सिलॉन नॉट का। अब ये कैसे यूज़ कर रहे हैं, कोई भी इक्वेशन ले लो जिसका भी यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला निकालना होता है, और जिसका निकालना है उसको लेफ्ट साइड में ले आओ, तो एप्सिलॉन नॉट को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, बाकी एफ को इधर ले जाते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एफ Q1 Q2 एज इट इज रहेगा, नीचे डिवाइड में आर बाई स्क्वायर, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, इसमें लेफ्ट साइड में आ गया एप्सिलॉन नॉट, राइट साइड में बाकी सारी चीज़ें आ गई हैं, ये तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है 1/4 पाई, इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। एफ का यूनिट क्या होता है, तो एफ का पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, एफ क्या होता है, मास इंटू
एक्सेलरेशन फार्मूला देख लीजिए। मास का क्या होता है? के जी। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको पता ही होगा। तो फोर्स की यूनिट क्या बन जाती है? के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ठीक है, और इसको हम के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं एसआई में। एसआई में हम न्यूटन भी बोल देते हैं। तो न्यूटन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फोर्स, तो न्यूटन लिख दिया मैंने। ठीक है, इस कूलम, कूलम ऊपर न्यूमरेटर में थे तो चार्ज जो होता है उसका यूनिट होता है कूलम, तो ये कूलम, एक कूलम ये। आर जो होता है वो उसकी यूनिट होती है एसआई में मीटर, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आर का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर, तो आपका फॉर्मूला जो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन बनेगा वो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बन गया। लेकिन फिलहाल क्योंकि कूलम जो है वो किससे बना है? चार्ज है। तो चार्ज का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? आपने पढ़ा होगा बच्चों में कि करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो इस फॉर्मूले से आपका क्यू इज इक्वल टू आई टी आ गया। ठीक है, तो क्यू का यूनिट होता है कूलम, करंट का क्या होता है? एम्पेयर। टाइम का होता है सेकेंड। तो हमें इसे स्मॉल टर्म्स में डिफरेंशिएट ब्रेक करना है। तो कूलम विल बी इक्वल टू एम्पेयर इंटू सेकेंड। तो यहाँ कूलम जो था कूलम का स्क्वायर, उसकी जगह मैं एम्पेयर इंटू सेकेंड लिख सकता हूँ क्योंकि क्यू इज इक्वल टू आई टी। सिंस क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, विच मीन्स क्यू इंस्टेड ऑफ क्यू आई कैन राइट कूलम यूनिट टाइम, करंट की जगह एम्पेयर और टाइम की जगह सेकेंड। तो उससे मेरा ये फॉर्मूला आ जा रहा है और इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला मतलब यूनिट क्या बन जाएगा? एम्पेयर का स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या बनेगा? इसी को हम करेंगे डायमेंशनल फार्मूला। एम्पेयर का एम्पेयर रहता है, सेकेंड का टाइम होता है, टाइम का स्क्वायर हो गया, न्यूटन। अभी देखिए ये मैं आपको समझा दूँ, फोर्स मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे बताया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी क्या होता है? डायमेंशन फॉर्मूले में केजी को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ये मैंने एम से। मीटर क्या होता है? लेंथ, ब्रैकेट लेंथ। टाइम क्या होता है? सेकंड की जगह टाइम आ जाता है, तो ये नीचे है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर लाएगा तो क्या होगा? टाइम की पावर माइनस टू का ये ब्रैकेट, तो एल एम टी माइनस टू। तो होता क्या है? एल एम टी माइनस टू। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी फोर्स की जगह। इसकी जगह मैंने अगर डायमेंशनल फॉर्मूला, ये तो यूनिट निकाल लिया मैंने, डन, ये हो गया। अब मेरे को डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकालना था, तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाला? उसको एम्पेयर एज इट इज एम्पेयर रहेगा, सेकंड का टाइम बन जाता है तो टाइम स्क्वायर हो गया, और न्यूटन की जगह एल एम टी माइनस टू, और मीटर स्क्वायर है, मीटर क्या है? लेंथ, तो वेट नहीं है, लेंथ है, तो मीटर का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर, तो ये हो गया। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसको क्या करोगे? ब्रेकआउट करके सिंप्लीफाई कर लो। आपका देखिए एल कितना, एल की पावर टू और यहाँ पे एक वन, तो ऊपर जाएगा तो एल माइनस थ्री, ये हो गया। एम का एक ही एम है, नीचे है तो माइनस वन हो गया। ठीक है, टी की पावर नीचे माइनस टू है, ऊपर टू है, तो ये ऊपर जाएगा तो टी की पावर फोर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। एम्पेयर की पावर टू, ये तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपका सिंप्लीफाई होकर ये बन गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, याद कर सकते हैं बेटर, नहीं कर सकते तो आप इसे इस तरह से निकालना। सिंपल मेथड, फॉर्मूला पता होना चाहिए तो आप डायरेक्ट आप उसका यूनिट और डायमेंशन दोनों निकाल लेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकलती है वो मैंने आपको पहले ही बताई थी, अभी फिर से मैं एक बार और बता देता हूँ। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट कैसे निकलती है? ठीक है, तो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁻¹। ये पता ही है मुझे कि ये भाई ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट होता है जब हम वैक्यूम लेते हैं, तो उस केस में ही निकाल रहे हैं, तो इज इक्वल टू 9 × 10⁻¹ फिक्स है ये। तो आप बाकी 4 पाई को इधर ले आओ, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ रख दो, तो आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है वो आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁻¹। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 8.85 × 10⁻¹¹। अब यूनिट कैसे निकालोगे? यूनिट अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ बताई थी एप्सिलॉन नॉट की कितनी आई थी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने कर दी, तो यूनिट हमें साथ में लिखनी पड़ेगी। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। नेक्स्ट इज रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। अब ये जो के है ये कैपिटल के है, ठीक है, कैपिटल के है, वहाँ स्मॉल, ये जो एफ इज इक्वल टू, ये स्मॉल के आ रहा था Q1 Q2 / r² वो मैंने लिखा था क्योंकि कई बुकों में लिखा हुआ है स्मॉल के था, ये कैपिटल के है। ठीक है, और ये कैपिटल के क्या होता है? इसको डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहते हैं। अब इसका मतलब क्या मैं समझाऊंगा, इसको रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या था? एप्सिलॉन नॉट, ये होता था इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ स्पेस एयर वैक्यूम। किसी मीडियम का है तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एम, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम वो ये होगा।
इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, किसी मीडियम का कंपेयर करना है वाटर के साथ। अब इन दोनों का अगर रेशियो लेंगे एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन एम का, उसी को रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहते हैं। उससे पता क्या लगेगा कि भाई अगर मैं दो चार्ज जो रखे हैं सेम डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे, अभी मैं समझाता हूँ आपको, पहले ये देख लीजिए, लेट अस कंसीडर टू चार्जेस, वी आर टेकिंग टू चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू एंड विच आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर इन स्पेस, वैक्यूम और एयर। ठीक है, स्पेस ले लो, एयर ले सकते हो, वैक्यूम भी ले सकते हो। तो ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इस डायग्राम में दो चार्ज हैं क्यू वन एंड क्यू टू एंड दे आर एट ए डिस्टेंस आर, और ये एयर है आसपास इनके, बिल्कुल एयर है या फिर वैक्यूम है आप मान के चलिए स्पेस। तो उस टाइम पे इसका जो फोर्स ऑफ दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है या रिपल्सिव, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस विल बी एफ नॉट, क्योंकि ये वैक्यूम है तो उसलिए बेस में नॉट लगा दिया, क्योंकि एप्सिलॉन के नॉट लगता है एयर वैक्यूम का लेते हैं, तो वैसी सेम हमने एफ नॉट लगा दिया। टोटल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस, या तो वो रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव हो, या तो ऐसे लगेगा रिपल्सिव या फिर अट्रैक्टिव भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन जैसा ये पॉजिटिव नेगेटिव, या पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो अभी फिलहाल ये है कि ये फोर्स लग रहा है, फोर्स विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वैक्यूम में है तो एप्सिलॉन नॉट आएगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन बन गई, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं, सिंपल है ये। तो अब दोबारा लेते हैं, अब इसमें ये जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वो स्पेस की, एयर की, वैक्यूम की, मतलब एक ही बात है वो है। ठीक है, नाउ सेम वही चार्ज लेते हैं और सेम डिस्टेंस पे रखेंगे, लेकिन अब की बार मीडियम चेंज कर देंगे। तो नाउ लेट अस टेक, वी आर कंसीडरिंग टू सेम चार्जेस, दो सेम चार्जेस हैं वही मैग्नीट्यूड के, जो पहले वाले चार्ज थे वही सेम मैग्नीट्यूड है, अलग नहीं किए, सेम चार्जेस, अब सेम डिस्टेंस दूर रखें। ठीक है, अब की बार भी सेम डिस्टेंस दूर, जैसे पहले आर डिस्टेंस रुका था, अभी भी सेम डिस्टेंस आर पे हमने रख दिया, लेकिन अब की बार मीडियम जो है वो दूसरा है, कोई भी मीडियम हो सकता है। ठीक है, वाटर ले लेते एग्जाम्पल, या कोई भी मीडियम ले लो, अभी फिलहाल जर्नल ले रहे हैं तो मीडियम ले लें। अब इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, रिपल्शन भी हो सकता है अट्रैक्शन भी, तो वो दैट विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू मीडियम विल बी रिप्रेजेंटेड बाई एफ टू द बेस एम, यहाँ मैं लिख देता हूँ एफ टू द बेस एम, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई, अब की बार क्या आएगा, एप्सिलॉन ऑफ दैट मीडियम, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम आएगा, और दोनों चार्ज का प्रोडक्ट उसके तो बराबर होता ही है, वो हमने कूलम्स लॉ में देखा, और इनवर्सली स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये तो वो एज इट इज रहना। तो ये इक्वेशन बनी सेकंड, जो कि मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, इसको डाउट मत करना, यहाँ पे ये एम है। ठीक है, थोड़ा सा ये एम, इज इट क्लियर? कोई डाउट? आई होप बहुत ईजी है। और ये एप्सिलॉन एम का बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, जो भी मीडियम लोगे उसका, अगर वाटर लिया तो वाटर केरोसिन ऑयल है तो केरोसिन ऑयल है मीडियम का, जो भी ऑयल, जो भी चीज़ ले रहे हो आप, वो मीडियम आपको डालनी है, उसी का एप्सिलॉन एम होगा। अब इसकी वैल्यू, अब देखिए क्या है, दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड करता हूँ, पहली इक्वेशन को, ये पहली इक्वेशन थी और ये दूसरी इक्वेशन थी। ठीक है, मैं अभी यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, एफ नॉट कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बाकी सब तो सेम था, बस एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे एप्सिलॉन एम है, ये पहली इक्वेशन थी और ये दूसरी इक्वेशन थी। दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं हम। ठीक है, लेट्स डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया तो लेफ्ट साइड में एफ नॉट बाई एफ एम आ गया, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको डायग्राम में ऊपर, ये एफ नॉट बाई एफ एम आ गया, मैं यही लिख दे रहा हूँ ताकि ईजी रहे आपके लिए समझने, एफ नॉट बाई एफ एम विल बी, यहाँ पे क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये पूरा कट जाएगा, आर स्क्वायर से कटेगा, Q1 Q2 से कट जाएगा, 4 पाई से कट जाएगा, बचेगा क्या, एप्सिलॉन नॉट नीचे बचेगा, एप्सिलॉन ऑफ ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये आ कैसे रहा है, 1/एप्सिलॉन नॉट और 1/एप्सिलॉन एम, जो हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन एम ऊपर आ जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे, तो एफ नॉट बाई एफ एम, ये दिस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, इनवर्सली हो जाएगा दूसरे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई है कि कटिंग हुई सारी, बचा गया सिर्फ एप्सिलॉन, एफ नॉट बाई एफ एम विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी रेशियो को, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ स्पेस, एयर और वैक्यूम, स्पेस मतलब या तो एयर हो या वैक्यूम, मैं तीनों नाम ले ले रहा हूँ, इन दोनों की रेशियो को हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर, और आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी हेडिंग जो थी वो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी लिखी थी, रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब क्या, रिलेशन में कितनी है,
तो एयर वाला जो था वो स्टैंडर्ड ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ मैं एक मिनट देखिए, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या तो एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं या इसको डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं कैपिटल के, तो ये दोनों ही चीज़ हैं, ठीक है, ये दोनों नाम है इसके, एक ही चीज़ है, नाम एक ही। ये देखिए, तो एप्सिलॉन आर बोल लो या कैपिटल के बोल लो, ये डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट बोल देंगे या फिर रिलेटिव इलेक्ट्रिक। अब इससे मतलब क्या है कि देखो, हमने क्या किया, जो फोर्स हमारी वैक्यूम में लग रही थी और जो फोर्स हमारी मीडियम में लग, उन दोनों की रेशियो देख रहे हैं कि भाई अगर मैं एयर में रखता हूँ या वैक्यूम में, मतलब वैक्यूम में रखता हूँ और एक किसी वाटर या किसी और मीडियम में रखता हूँ, तो दोनों के रेशियो के मुकाबले मीडियम में फोर्स मेरी उस मीडियम में ज़्यादा होगी या वैक्यूम में ज़्यादा लगेगी, तो वो चीज़ का आपको पता लगता है। मैं अभी एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। एप्सिलॉन आर इसलिए रिलेटिव बोल रहे हैं कि हमें पता लग जाएगा कि भाई वैक्यूम में रखने से फोर्स ज़्यादा लग रही है या उस वाटर में या किसी और मीडियम में जो हम रख रहे हैं उसमें ज़्यादा फोर्स लग रही है, ठीक है। और नेचुरल सी बात है, देखो आप खुद ही सोच के बताओ, ये Q1 है, ये Q2 है और इनके बीच में डिस्टेंस आर है, सेम ये एयर के बीच में रखा हुआ है या वैक्यूम में रखा हुआ, और यही आप वाटर कंटेनर में रख दे रहे हो सेम डिस्टेंस पे, यहाँ पे Q1 Q2 और सेम डिस्टेंस आर। अब ये आप खुद बताओ, इसके अंदर मॉलिक्यूल जो है पास पास हैं और इसमें मॉलिक्यूल दूर दूर है, तो नेचुरली यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा, यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो यहाँ फोर्स जो आनी चाहिए, फोर्स ऑफ दैट मीडियम विल बी लेस, ये फोर्स ऑफ जो रिपल्शन या अट्रैक्शन लगेगी ये कम लगेगी, FM जो हो F0 के मुकाबले कम आएगा, ठीक है। अगर मैं एक वाटर का एग्जांपल लेता हूँ तो आप देखोगे कि उसमें K की वैल्यू कितनी आती है, तो मैं अभी आपको समझाता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ आपको, यही प्रूव करके दिखाऊंगा। फिलहाल आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है, जो हमने डिराइव किया, क्लियर है। अब ये देखिए, याद करने का तरीका क्या है, आप इसके रेस्पेक्ट में कर लीजिए एप्सिलॉन के, कि रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, दिस इज रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उसको नीचे, ठीक है। स्टैंडर्ड जो है वो हमारा वो वैक्यूम, उसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं किसी भी मीडियम को, तो वही चीज़ यहाँ लिखिए, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ स्पेस। अब ये बोलता है कि स्पेस को ही स्पेस के साथ, वैक्यूम को वैक्यूम के साथ कंपेयर करेंगे तो के की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन ऐसे लिखना था ना, एक मिनट, ये आएगा आपका एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बोलता है अगर मैं वैक्यूम को वैक्यूम के साथ कंपेयर करूँ तो उसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ये के की वैल्यू कितनी आएगी, तो नेचुरली अगर वैक्यूम ही ले रहे हो और वैक्यूम के साथ कंपेयर करो तो एप्सिलॉन एम की वैल्यू तो एप्सिलॉन नॉट ही आनी है, और वैक्यूम की तो है ही एप्सिलॉन नॉट, तो ये कट के कितनी बनेगी, वन। तो वैक्यूम के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, वैक्यूम या स्पेस के लिए वन। अब वाटर की लेते हैं, तो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ, तो एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा जो कैलकुलेट किया गया है, जब आप देखते हो ये याद भी रख सकते हो आप, ये जनरली कई बार क्वेश्चन में नहीं भी दिया जाता, तो वाटर का आपको याद रहना चाहिए, बाकी हर एक मटेरियल का आप याद नहीं सकते, लेकिन इतना इसको आपका पता होना चाहिए। वाटर का के जो होता है डायलैक्ट्रिक 81 है। अब इसका क्या मतलब है कि फोर्स ज़्यादा लगेगी कम, अभी हमने जनरल थ्योरेटिकली समझा था कि कम, नेचुरली फोर्स कम लगनी चाहिए अगर वाटर के अंदर रखें, क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास हैं वाटर के एज़ कम्पेयर टू एयर या स्पेस वैक्यूम जो ले रहे हैं उसमें, तो नेचुरली फोर्स कम लगनी चाहिए जब हम किसी मीडियम में जो उससे ज़्यादा, जैसे वाटर वाला है उसमें ज़्यादा है, तो अभी के की वैल्यू वाटर की 81 आ रही है, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 81 है। इसका मतलब क्या है, के इज इक्वल टू, हमें पता था एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं, तो अभी इसी फॉर्मूले को हम आगे सॉल्व करते हैं, तो दैट मीन्स दिस इज 81, तो एप्सिलॉन ऑफ दैट मीडियम विल बी इक्वल टू 81 बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर ले आते हैं तो ये इसके बराबर बना। अब इससे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इससे आपको बस इतना पता लग रहा है लेकिन मतलब नहीं समझ में आ रहा, लेकिन एक और फॉर्मूला था, K was equal to F0 by FM, था कि नहीं। अब इसको लेते हैं, फोर्स के टर्म में बात करते हैं, तो F0 is equal to, इस वाले रिलेशन को देखो आप, ये वाला रिलेशन is equal to ये, ठीक है, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, F0 by FM is equal to 81, तो इससे क्या पता लग रहा है, FM इधर ले आओगे और 81 को इधर ले आओगे तो क्या बनेगा, FM will be equal to F0 by 81, तो इसका मतलब जो स्पेस में या वैक्यूम में F0 फोर्स लग रही थी उसका 1/81 हो गया, उसको 81 से डिवाइड करा तब जाके उतनी फोर्स लग रही है हमारी मीडियम में, वाटर वॉल्यूम वाले मीडियम में, यानी वाटर अगर हमारा मीडियम है तो उसमें 81 से डिवाइड कर दिया, मतलब 1/81 यानी 81 टाइम्स उसकी कम हो गई ताकत। अगर मान लो 100 न्यूटन लग रहा होता तो उसको 81 से डिवाइड करो, अगर वैक्यूम में इतना 100 न्यूटन फोर्स लग रहा होता
तो उसको 81 से डिवाइड करोगे तब जाके इसका मतलब कुछ वैल्यू आएगी, कुछ मान लो 1 पॉइंट कुछ आ रही है, तो 1 पॉइंट न्यूटन ही लगेगा आपका किस में, उस मीडियम में, मतलब वाटर मॉलिक्यूल, वाटर में, वाटर वाले मीडियम में। तो इससे पता लग रहा है कितना कम हो जा रहा है फोर्स, 1/81 टाइम्स हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।